दोस्तों, अपने महाराज जी को एक बार फिर से सुन लो, क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनो। आपके भी दो बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी, कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला, ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा मेडिकल, मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला, मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी श्री राधे, जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं का दाना, ऐसा है गोबर, उसे पूरा समझिए। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी। मैंने वो रोटियां खाई हैं। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? वो अलग है। क्या उसमें है? गुण बदल गया ना। बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? सुना कुछ कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ। किसी अब बिल्ली का है, किसका है, पहले कुछ कुछ सुना। अब बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं? ओ जी, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूँ। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाले के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है? लेकिन महाराज जी, टट्टी तो टट्टी।